किसी की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग जाता है, नर्क जाता है और फिर उसका पुनर्जन्म होता है, ये मान्यता है। तो दूसरे तंत्र का कोई व्यक्ति जब उसकी मृत्यु होगी तो वो भी हमारे हिसाब से ही स्वर्ग नर्क जाएगा या उनका कुछ अलग सिस्टम होगा? राइट, बहिष्ठ पैराडाइज की कल्पना, दोजक की कल्पना उन लोगों के यहाँ भी है, यानी दोजक है, नरक, बहिष्ठ है, पैराडाइज है, स्वर्ग की या नरक की कल्पना तो उनके यहाँ भी है। गीता के 14वें अध्याय के अनुसार ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। फिर 8वें 9वें आदि अध्याय का अनुशीलन कीजिए। यम यम वापिस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। सदा तद्भाव भावितः प्रकरण के अनुसार तो सीमित अर्थ है, लेकिन गौड़पादाचार्य जी ने सदा तद्भाव भाविता इतने अंश को ही चमका कर पूरे वैतथ्य प्रकरण की रचना की है। कहीं कहीं प्रकरण के अनुसार अर्थ सीमित होता है, कहीं कहीं प्रकरण का ध्यान न दें तो छोटे वाक्य का भी बहुत अर्थ विस्तृत होता है। इसलिए सदा तद्भाव भाविता की व्याख्या ही मांडुक्य कारिका में संपूर्ण वैतथ्य प्रकरण है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः देहत्याग के अव्यभित पूर्व क्षण में सत्व रजस तमस जिस गुण की प्रधानता होती है, प्रबलता होती है, तदनुरूप जीव के ऊर्ध्व मध्य या अधोगति होती है। लेकिन जो तत्वज्ञ होते हैं देहत्याग के बाद पूरी अष्टक से जीव कला ऊर्ध्व मध्य अधा स्थिति को प्राप्त नहीं होती, उस सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रहते हैं। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, पैंगलोपनिषद और विवेक चूड़ामण के अनुसार इन्हीं का नाम पूरी अष्टक है। पूरी अष्टक से जीव कला लोक लोकांतरों में जाती है, लेकिन यही वितर्जिता सर्ग ये साम साम्य स्थित मना निर्दोषम यही वितर्जिता सर्ग। उन्होंने जीवन काल में ही सर्ग पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। ये साम साम्य स्थित मना जिनका मन सम तत्व में जो कि निर्दोष परमात्मा है समाहित हो गया, अर्थात सदोष अभिषम सकल अनात्म प्रपंच से मन को प्रत कर निर्दोष असम परमात्म तत्व में जो प्रतिष्ठित कर लेते हैं उनका पुनर्भव नहीं होता, ऊर्ध्वगमन भी नहीं होता, मध्यगमन भी नहीं होता, जन्म मृत्यु के अनाद्य अजस परंपरा का अत्यंत उच्छेद हो जाता है। आगे